हाय मेरे दोस्त, आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 3 का बीका क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं, जो कि ये विलोपन विधि द्वारा हम बताएंगे। तो यहाँ से जो दिया गया है क्वेश्चन, इस प्रकार से दिया गया है 4x-3y+11=0 एंड 5x+4y+37=0 इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हम इसको जो है विलोपन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण में चेंज कर लेते हैं। पहले यहां से जो है विलोपन, ये जो है विलोपन विधि द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले हम समीकरण में तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, 4x-3y+11=0 इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हम इसको जो है इस प्रकार से हम लिख लेंगे, चूंकि यहाँ a1x+b1y=c1 हम ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, या 4x-3y=, ये साइड प्लस में है, वो साइड जाएगा तो माइनस में 11 हो गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसी प्रकार से हम इससे भी हम समीकरण जो है सेकेंड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से दिया गया है तथा 5x+4y+37=0। तो इसको जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे, a2x+b2y=c2 इस प्रकार से हम लिखना चाहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या 5x+4y=, ये साइड प्लस में है, साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 37। ये आया। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड हमारा तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। ये तो यहां से क्या करेंगे, हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट जो दिया गया है उसको लिखेंगे कहां, ये है दिया गया है 4x-3y=-11। अब उसके बाद समीकरण सेकेंड को देखेंगे तो क्या दिया गया है, लिखेंगे 5x+4y=-37। ये हमारा -37 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें जो है देखेंगे कि कौन आसान होगा हमको काटने में। तो हम चलिए बाई को ले लेते हैं, बाई जो है क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो चिन्ह जो है चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर जो ही प्लस में रहता तो क्या करते हैं, हम चिन्ह को चेंज कर देते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है नीचे अगर जो 4 है तो ऊपर 4 कर देते हैं, 4 से गुना, समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर देते हैं, और नीचे जो है समीकरण सेकेंड में 3 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 जो है ये टोटल से गुना हो जाएगा। तो इसको इससे हम करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 × 16x - इसको इससे करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा 12y = 11 × 44, लेकिन माइनस में यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो है इस पर यहाँ भी गुना करते हैं तो 3 × 5 = 15x + यहाँ से हो जाएगा 4 × 3 = 12y = यहाँ से हो जाएगा 7 × 21 = 1 और उसके बाद है 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, माइनस में ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको जो है काट देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 16 और 15 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 15 × 3 = 30 और 1 × 31 = यहाँ से माइनस माइनस प्लस और चिन्ह घटाओ का, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं तो 4 × 1 = 5, 11 × 4 = 15 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे 31 का में ये आता है या तो नहीं आता है, तो यहाँ से 5 से अगर जो लगाते हैं तो 5 मरतबे में ये हमारा कट जाता है। तो ये हमारा x का जो मान आ गया हमारा -5 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये जो है हमारा समीकरण देखेंगे कहाँ पे दिया गया है फर्स्ट, तो ये दिया गया है 4x-3y
लिखेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11। अब जो है यहाँ से 4 इंटू एक्स का जो मान हम क्या किए हैं माइनस 5 है, तो माइनस 5 यहाँ पे रख दिए, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11। अब जो है यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20 माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 11। यहाँ से जो आ जाएगा हमारा माइनस 3y इक्वल टू यहाँ माइनस 11, ये साइड क्या है माइनस में है, तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल टू यहाँ से 20 में से 11 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा हमारा प्लस में। अब जो है इसे भागा देंगे तो 3 मरते में ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया हमारा माइनस में 3, क्योंकि ये साइड जो माइनस में रहता है वो साइड चला जाता है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।